हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिवेंटिंग नेचुरली एंड मैं हूं शिवमली। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि विंटर सीजन में मैं कैसे डे टाइम में अपना स्किन केयर करती हूं। और इस रूटीन में मैं कुछ यूज़ करूंगी रेडीमेड प्रोडक्ट्स और कुछ यूज़ करूंगी होम रेमेडीज। तो दोनों मिला के मैं इस रूटीन को कम्प्लीट करती हूँ और इससे मेरा स्किन दिन भर के लिए हाइड्रेट रहता है और बहुत ही मॉइस्चर रहता है, बिल्कुल भी पैचेस और ड्राइनेस मेरे स्किन पर नहीं आते। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। स्क्रबिंग के लिए मैं यूज़ करूंगी शुगर, नॉर्मल व्हाइट शुगर, या आपके पास अगर ब्राउन शुगर है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, ये है एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। पर शुगर के जो दाने हैं वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, तो स्किन को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो छोटे दाने के शुगर चाहिए इस स्क्रबिंग के लिए। ये शुगर स्क्रब दिन भर के लिए स्किन को मॉइस्चर रखने में हेल्प करेगा। उसके बाद स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए मैं यूज़ करूंगी एक फेस पैक, और इस फेस पैक के लिए मुझे चाहिए कर्ड, और उसके साथ मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा हनी। कर्ड स्किन को दिन भर के लिए हाइड्रेट रखने में मदद करेगा। ये जो हनी है ये स्किन को लंबे टाइम तक मॉइस्चर रखेगा। उसके बाद मैं अप्लाई करती हूँ मेरा रेगुलर का डे क्रीम, ये है ओले टोटल इफेक्ट 7। और अगर आप विंटर सीजन में बाहर जाते हैं तो आपके लिए सनस्क्रीन लोशन बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी सनस्क्रीन लोशन यूज़ कर सकते हैं जो कि आप रेगुलर यूज़ करते हैं, पर मैं यूज़ करती हूँ VLCC का सनस्क्रीन लोशन, ये है SPF 30। और फिर लिप्स के लिए मैं यूज़ करती हूँ विटामिन ई का कैप्सूल। इसको ऐसे पोक करके, एक लीडर से इसको ऐसे पोक करके इसके अंदर जो ऑयल है उसको एक्सट्रैक्ट करना है, और फिर इसको थोड़ा सा ऐसे फिंगर टिप में लेके अपने लिप में अप्लाई कर सकते हैं। ये लंबे टाइम तक आपके लिप्स को मॉइस्चर रखेगा। एंड विंटर सीजन में जो होता है कि लिप्स बहुत क्रैक हो जाते हैं, इसमें ऐसे डेड सेल जैसे कुछ रिमूव होता है, तो ये विटामिन ई कैप्सूल यूज़ करने से आपका ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यूज़ करने से आपके जो लिप्स है वो पूरे विंटर सीजन में हेल्दी रहेगा एंड मॉइस्चर रहेगा। तो लिप्स में यूज़ करने के लिए एक विटामिन ई कैप्सूल बहुत ज़्यादा होता है, मतलब एक कैप्सूल पूरा यूज़ नहीं होता लिप्स के लिए। तो अगर आपका डार्क सर्कल का प्रॉब्लम है तो ये कैप्सूल आप अपने अंडर आइज में भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ बॉडी लोशन। मैं निविया बॉडी लोशन पूरे साल यूज़ करती हूँ, तो विंटर सीजन में भी मैं यही यूज़ करती हूँ। एंड गाइज, ये है मेरा डे स्किन केयर रूटीन। एक्चुअली मॉर्निंग में मेरा कुछ और रूटीन होता है जो कि मैं ऑलरेडी इसका एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर किया है। उसके बाद जब मैं लंच बनाने जाती हूँ तो कुकिंग कंप्लीट होने के बाद मैं ये स्किन केयर रूटीन करती हूँ विंटर सीजन में, और उसके एक घंटे बाद मैं शावर लेने जाती हूँ। और विंटर सीजन में मेरा एक नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन भी है जो कि मेरा रेगुलर नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन के साथ मैं कुछ और भी इंक्लूड करती हूँ, और उसका वीडियो भी मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आगे से और भी अच्छे अच्छे ब्यूटी टिप्स के वीडियो के लिए प्लीज़ फॉलो करते रहिए मेरे इस चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय।